डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुंदन लाल, जूलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर SKR कॉलेज बरबीघा मुंगेर विश्वविद्यालय से, पार्ट वन की परीक्षाएं अभी आसन्न आने वाली हैं और इसके लिए अभी चूँकि लॉकडाउन में क्लासेस हो नहीं रहे हैं तो मैं ऑनलाइन कुछ अपना लेक्चर्स आप लोग को प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि उससे आने वाले एग्जाम्स में आपको फ़ायदा हो पाए। तो पेपर टू, पार्ट वन के लिए पेपर टू जूलॉजी ऑनर्स में एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एफिनिटीज ऑफ बेलानोग्लॉसस। अब बेलानोग्लॉसस की बात जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये है आपका, पेपर वन में आपने पढ़ा इनवर्टिब्रेट के बारे में, पेपर टू में पढ़ना है आपको वर्टिब्रेट के बारे में। अब जहाँ तक वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच कनेक्टिंग लिंक की बात करेंगे तो वर्टिब्रेट यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट वर्टिब्रेटा के अंतर्गत जंतु मिलाते हैं। तो इसमें अगर हम नॉन वर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की ओर बढ़ते हैं तो गौर करेंगे कि सबसे पहले आता है हेमीकॉर्डेटा, यानी हेमीकॉर्डेटा यानी ऐसे जंतुओं का समूह जिनमें कॉर्ड यानी वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी यानी नर्व कॉर्ड होगा किंतु कुछ प्रॉपर्टीज उनमें इनवर्टिब्रेट्स वाली भी होंगी, अर्थात कह सकते हैं कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के बीच के कनेक्टिंग लिंक में आते हैं हेमीकॉर्डेटा। और हेमीकॉर्डेटा का ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका बेलानोग्लॉसस। अब एग्जाम पेपर वन में आपका, पेपर टू में एक क्वेश्चन आएगा आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेलानोग्लॉसस, एफिनिटीज ऑफ बेलानोग्लॉसस। तो अगर एफिनिटीज की बात हम करें तो एफिनिटीज यानी कि उसकी समानता या असमानता, क्या कॉर्डेट के साथ सिर्फ है या फिर उसकी इकोनोडर्मेटा के साथ भी है या फिर एनलिडा के साथ भी है। तो अगर जहाँ तक वैज्ञानिकों ने इस मुद्दे पे अगर मंथन किया तो खास करके बैट्सन नाम के एक वैज्ञानिक ने इस एफिनिटीज को काफ़ी गहरे अध्ययन किया। तो बैट्सन के अनुसार बेलानोग्लॉसस का तीन समूह पर काफ़ी अधिक समानताएं और असमानताएं दोनों निर्भर करती हैं, यानी इन तीन समूह से उनका रिश्ता काफ़ी गहरा माना जा सकता है और इन तीनों समूह के बारे में ही एफिनिटीज़ में आप लिखेंगे। तो पहला हम लेंगे एफिनिटीज़ विथ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट के साथ इस बेलानोग्लॉसस का समानता क्या है, असमानता क्या है। तो बैट्सन ने काफ़ी गहरे इस पर स्टडी किया और जब लिखेंगे आप तो पहले आप समानता लिखेंगे कॉर्डेट के साथ। अब कॉर्डेट के लक्षण की बात हम करेंगे, कॉर्डेट के कुल तीन लक्षण होते हैं, मूल लक्षण जो सभी कॉर्डेट में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। पहला हो गया, सभी कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड पाए जाएंगे। नोटोकॉर्ड यानी कि आपका जो मस्तिष्क है उसके पीछे से जो पूरे मस्तिष्क को आगे एक्सटेंशन के रूप में जो नर्व कॉर्ड आपके पीठ के भाग के नीचे तक जाता है उसको हम बोलेंगे आपका नोटोकॉर्ड बोलेंगे। तो नोटोकॉर्ड अनिवार्य प्रॉपर्टी है किसकी, कॉर्डेट की। साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, नर्व, नोटोकॉर्ड और बाकी नर्व फाइबर्स ये सब मिला के जो सिस्टम बनाते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके अलावे फेरेंजियल गिल्स, ध्यान रखना कि सभी में चाहे वो फिश हो, चाहे वो एम्फीवियंस हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे वो मैमलियंस हो, सभी में या तो किसी जीवन है किसी न किसी स्टेज में, या तो एडल्ट में नहीं भी होगा तो भी जीवन है किसी न किसी स्टेज में इस जगह पे गर्दन के पास तीन पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जिसको फ्रेंजियल गिल्स बोलते हैं। अब फिश में ये एडल्ट में भी दिखता है, अगर आप बात करेंगे इसके एम्फीबियंस की तो लार्वल स्टेज में मिलता है। इवन मैमल्स में हम आप ह्यूमन बींग्स में भी अगर भ्रूणीय अवस्था में हम हैं तो शुरुआती भ्रूण में फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए ही जाएंगे, ये कॉर्डेट की अनिवार्य विशेषता है। तो ये तीनों विशेषताएं आपको बेलानोग्लॉसस में भी मिलती हैं जो यह साबित करती हैं कि बेलानोग्लॉसस का काफ़ी समानता आपका किसके साथ है, कॉर्डेट के साथ है। अगली बात, अगला पॉइंट पे आ जाइए तो गले और सीने के जो सिस्टम स्वतंत्र हैं यानी फोर पार्ट, गले और सीने के पूरे पार्ट का जो सिस्टम है बेलानोग्लॉसस का और कॉर्डेट्स का वो बिल्कुल मैच करता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, मोटे तौर पे कॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट तीनों के लक्षण इस हेमीकॉर्डेट में यानी बेलानोग्लॉसस में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आ जाइए, सब समानता वाले में आता है कि तंत्रिका तंत्र की दृष्टि से कॉर्डेट, गौर करना
इनवर्टिब्रेट में पेट की तरफ, इनवर्टिब्रेट में पेट की तरफ आपको क्या पाया जाता है, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। बट वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमन बींग्स भी, या बाकी जो भी रीढ़ वाले जानवर हैं, उन सबों में पीठ के हिस्से में आपका पाया जाता है नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ब्लेनोप्लासस में भी एक बात गौर करना, डबल नर्व कॉर्ड है। कुछ बहुत हल्के फाइबर्स पेट की तरफ ही पाए जाते हैं, बट मेन फाइबर्स जो मेन नर्व कॉर्ड है इसका पीठ की तरफ पाया जाता है, इसीलिए इसकी समानता कॉर्डेट से काफ़ी मिलती है। अब बैट्सन की ही बात करेंगे तो हम देखेंगे कि आगे कुछ असमानताओं की चर्चा भी बैट्सन ने किया हुआ है। तो असमानताएं क्या क्या होंगी, जो मूल चीज़ देखेंगे, गौर करेंगे, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें एक ही सीलोम, सीलोम यानी देह गुहा जिसको बोलते हैं, एक ही सीलोम पाया जाता है। किंतु अगर हम बात करेंगे ब्रेनोप्लासस की, तो इसमें फ्रेंजियल पार्ट से ऊपर अलग सीलोम है, एब्डोमेन पार्ट में अलग सीलोम है, यानी इसमें एक के साथ कई सीलोम पाए जाते हैं जो कि कॉर्डेट के लक्षण नहीं है, इस मामले में यह अलग है। अगली बार आ जाइए तो रक्त परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र के मामले में ब्रेनोप्लासस कॉर्डेट से बिल्कुल अलग है। कॉर्डेट में सिर्फ पृष्ठीय भाग में होता है, बट इसमें क्या है, पृष्ठीय भाग में भी है और पेट के भाग में भी पाया जा रहा है। रही बात परिसंचरण तंत्र की, सारे कॉर्ड इसमें क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है, बट इसमें क्लोज और ओपन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाइए कि ब्रेनोप्लासस में, अब जैसे भी सारे कॉर्डेट में देखेंगे, पूंछ के बाद वाले पार्ट में, यानी जो एनल पार्ट है, एनल के पार्ट के बाद, यानी पोस्ट एनल पार्ट बोलते हैं, पोस्ट एनल पार्ट में भी वर्टिब्रल कॉलम का कुछ पार्ट होता है, किंतु ब्रेनोप्लासस में ऐसा नहीं होता, जो कॉर्डेट से इसकी असमानता को दर्शाता है। और अगले पॉइंट में आ जाइए, सेगमेंटेशन। अब किसी भी कॉर्डेट में आप देखेंगे कि सेगमेंटेशन जो है, यानी कि सिर का पार्ट, उदर का भाग, ग्रीवा का भाग, या पैर, हाथ, अपेंडिजेस, वो सब सेगमेंटेशन अलग अलग दिखते हैं, किंतु ब्रेनोप्लासस में एक क्रीमी टाइप का संरचना होता है, एक जैसा दिखता है, इसमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, जो साबित करने को पर्याप्त है कि ब्रेनोप्लासस कॉर्डेट से अलग है, ठीक। ये तो पहला पॉइंट हो गया कॉर्डेट के साथ इसकी एफिनिटीज। अब अगले पॉइंट पे मूव करेंगे, एनलिडा के साथ इसकी एफिनिटीज पे। तो एनलिडा, यानी जैसे कि आपका केंचुआ हुआ, तो केंचुआ का शरीर कृमि जैसा, इसका भी शरीर कृमि जैसा, समानता पहले हम बात कर लेते हैं, कृमि जैसा शरीर एक हो गया। दूसरा, केंचुआ भी बिल खोद के रहता है, और ब्रेनोप्लासस भी समुद्र के किनारे तट पर या बिल खोद करके बिल के अंदर रहते हैं, ये भी समानता मिल गई। उसके बाद आ जाइए कॉर्डेट्स में क्या होता है, पीछे की ओर आपका क्या पाया गया, नर्व कॉर्ड, और फिर ये जो हृदय होता है आपके अगले भाग छाती की तरफ होता है। किंतु अगर आप बात करेंगे एनलिडा की, सभी एनलिडा में पीछे वाले भाग में आपको हार्ट मिलेगा, खासकर केंचुआ में पीछे वाले भाग में हार्ट मिलेगा। और ब्रेनोप्लासस में भी जो हार्ट है ये कहाँ मिलता है, पीछे वाले भाग में मिलता है, ठीक है। अब रही बात, ठीक जो हमने कहा था कि थोड़ी ही सही, लेकिन पेट की तरफ तंत्रिका तंत्र ब्रेनोप्लासस में उपस्थित होता है, जो निश्चित तौर पर इनवर्टिब्रेट का ही एक फीचर है, ठीक है, ये समानता मिल गई। अब रही बात ब्रेनोप्लासस के लार्वा की, तो ब्रेनोप्लासस का लार्वा जो है उसको बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा। ब्रेनोप्लासस में टॉर्नेरिया लार्वा उपस्थित होता है, और एनलिडा का लार्वा को बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। इन दोनों लार्वा के बनावट में, टॉर्नेरिया लार्वा और ट्रोकोफोर लार्वा, इन दोनों के बनावट में काफ़ी समानताएँ होती हैं, ठीक है। अब आते हैं असमानताओं पर, तो एनलिडा के साथ असमानताएँ क्या क्या हैं, तो मैंने कहा है पहले भी कि ब्रेनोप्लासस में आगे भी नर्व कॉर्ड है और पीछे भी नर्व कॉर्ड है, जबकि एनलिडा में सिर्फ आगे के भाग में नर्व कॉर्ड पाया जाता है। यह असमानता हो गई कि ब्रेनोप्लासस में पीठ वाले भाग में भी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, क्लियर। अब आगे आ जाएंगे, फेरेंजियल गिल्स किसी भी एनलिडा में नहीं होता, लेकिन ब्रेनोप्लासस में फेरेंजियल गिल्स जो कॉर्डेट की समानता है वो मौजूद है, इसलिए ये असमानता हो गई किससे, एनलिडा से। आगे आ जाइए कि ब्रेनोप्लासस के टॉर्नेरिया लार्वा में नेफ्रिडिया नहीं पाया जाता, जबकि बाकी एनलिडा के एडल्ट में, एनलिडा के लार्वा में नेफ्रिडिया, सेप्टल फेरेंजियल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, मगर किसी भी तरह का नेफ्रिडिया मौजूद नहीं है किसमें, ब्रेनोप्लासस में, ये भी असमानता हो गई। और जो दोनों के लार्वा का विकास, यानी हमने फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, एक लार्वा हो गया ब्रेनोप्लासस का जिसको बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा, और दूसरा हो गया ट्रोकोफोर लार्वा आपका एनलिडा का,
दोनों के डेवलपमेंट यानी कैसे वो विकास करता है अंडे से एडल्ट की ओर, इस लार्वा के विकास के तरीके में बिल्कुल असमानताएं होती हैं। तो ये असमानता हो गई आपको एनलिडा और बेलनोगोसस में। अब तीसरा पॉइंट हम आएंगे कि बेलनोगोसस की एफिनिटीज इकानोडर्मेटा के साथ, इकानोडर्मेटा जैसे स्टारफिश वगैरह, ठीक है। तो अब समानता पहले आते हैं, तो एंटेरोसोलिक सीरम, एंटेरोसोलिक सीरम दोनों में मौजूद होता है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि सीलोम के अंदर का जो पार्ट होता है ये इंट्रोसोलिक यानी कि अंदरूनी हिस्से को पूरा कवर किया रहता है, ठीक है, और एक आकार में यानी उदर गुहा को पूरे अपने आप में समेटे रहता है, इसको इंट्रोसोलिक सीलोम बोलते हैं। ये दोनों में उपस्थित होता है। उसके बाद बेलनोगोसस का हृदय जो है वो एस आकार का होता है, जो कि इकानोडर्मेटा के लार्वा से बिल्कुल मैच करता है। आगे आ जाइए, तंत्रिका तंत्र, हमने कहा आगे पीछे दोनों और है, बट नर्व कॉर्ड या तंत्रिका तंत्र बेलनोगोसस में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है, सिंपल वे में होता है। और इसकी तंत्रिका तंत्र की जो बनावट है यानी इसका जो सरलीकृत बनावट है ये बहुत कुछ मैच करता है आपके इकानोडर्मेटा के जो भुजाओं में तंत्रिका तंत्र होते हैं उससे काफ़ी कुछ मैच करता है। उसके बाद आ जाएंगे आप तो फॉस्फोजेन, एक खास फॉस्फोजेन मांसपेशी में उपस्थित होता है, किसके इकानोडर्मेटा के, किसी भी कॉर्डेट के मांसपेशी में फॉस्फोजेन नहीं होता, किंतु बेलनोगोसस के मांसपेशी में फॉस्फोजेन मौजूद होता है, जो यह साबित करने को पर्याप्त है कि बेलनोगोसस की समानताएं इकानोडर्मेटा से भी काफ़ी कुछ मिलती हैं, ठीक है। और बाइपिनरिया लार्वा जो इकानोडर्मेटा का है उसकी समानता भी काफ़ी कुछ मिलती है टॉर्नरिया लार्वा किससे, आपका बेलनोगोसस से, ठीक है। अब रही बात असमानताओं की, तो बेलनोगोसस